तो अभी हम लोगों ने चैप्टर 10 का एक्सप्लेनेशन किया था, अब हम आपके लिए एक्सरसाइज रीड करेंगे, आप लोग अच्छे से समझिए और फिल करके होमवर्क में ज़रूर सेंड करेंगे, जिससे आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक से हो सके। अब फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपको कुछ क्लूज़ दिए गए हैं, आधार कार्ड एंड आइडेंटिटी कार्ड, पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, तो ये चार क्लूज़ हमको हैं यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमको इन फिलअप्स में फिल करना है। फर्स्ट फिलअप में लिखा है कंटेन द पर्सनल डिटेल्स ऑफ अ पर्सन। पर्सनल डिटेल्स मतलब सिर्फ हमारे बारे में, उसमें और कुछ स्कूल के बारे में या हमारी कंट्री के बारे में कुछ नहीं लिखा होता, तो वो क्या होता है, हमारा एन आइडेंटिटी कार्ड जो हम लोग स्कूल में वेयर करते हैं। सेकेंड है हमारा इज़ यूज टू कास्टिंग वोट इन इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में, चुनाव में वोट डालने के लिए जब एबल हो जाते हैं तो उसको एक वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, तो तभी वो वोट देने के लिए एबल होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा सेकंड वाले में, वोटर आईडी कार्ड। सी नंबर आता है आधार कार्ड, कंटेन्स अ 12 नंबर कोड। अब 12 नंबर कोड तो अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो आधार कार्ड में होता है, तो थर्ड नंबर में क्या आएगा, आधार कार्ड। डी आता है इशूड बाय एनी बैंक। अब बैंक से हमको क्या मिलती है, पासबुक मिलती है, क्योंकि उसी में सारा रिकॉर्ड होता है, हमने कितना पैसा निकाला और कितना सबमिट किया। अब आती है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हमारा है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट आपका है आइडेंटिटी प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पासपोर्ट। तो ट्रू फॉल्स में फर्स्ट हमारा क्या था, आइडेंटिटी प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पासपोर्ट। तो पासपोर्ट बनाने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ जो हमारा है वो रिक्वायर्ड होता है, ये तो सही लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू। सेकंड है ड्राइविंग लाइसेंस कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। ड्राइविंग लाइसेंस का यूज़ आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर नहीं किया जा सकता, तो रॉन्ग है, हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। सी नंबर है आइडेंटिटी प्रूफ मेंटेन्स अवर आइडेंटिटी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए आइडेंटिटी प्रूफ हमारी आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, तो ये भी ट्रू है। डी है वी डू नॉट नीड एनी आइडेंटिटी प्रूफ फॉर गेटिंग जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। अब यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए आइडेंटिटी प्रूफ की नीड नहीं होती, तो ये तो गलत है। जब भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना बहुत कंपलसरी होता है, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। ई है फोटोग्राफ इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एन आइडेंटिटी प्रूफ। तो फोटोग्राफ आइडेंटिटी प्रूफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसमें हमें क्या फिल करना है, ट्रू फिल करना है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको फर्स्ट मैचिंग दी है बैंक बुक। अब बैंक बुक कहाँ होती है, बैंक में, ये तो आपने पता ही है, बैंक बुक तो बैंक में होगी। अब वोटर आईडी कब यूज़ की जाती है, इलेक्शंस में, ये हमारा होगा। अब स्कूल आइडेंटिटी कार्ड कहाँ होगा, स्कूल में। ओके, अब आता है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस तो हम लोग रोड पर चलाने के लिए, व्हीकल्स चलाने के लिए गाड़ियों के यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस अब जब हमको पकड़ लेती है तो हम ड्राइविंग लाइसेंस दिखा कर के हम बिल्कुल सही हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास लाइसेंस है, ये दिखा कर हम उनसे बच सकते हैं, लेकिन रूल्स को फॉलो करके। तो यहाँ ये किससे मैच होगा, ट्रैफिक पुलिस से। ओके, अब हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। अब आंसर्स जो क्वेश्चंस के हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डे में सेंड करूँगी, आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताऊँगी। ओके, आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑफ चैप्टर 11 आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन 9, लेसन 10 एंड लेसन 11। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पर। नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको नेम फिल करने हैं। तो यहाँ पर पहली पिक्चर कौन सी है, पासपोर्ट की है। दूसरी हमको ड्राइविंग लाइसेंस की दिखाई दे रही है। फिर हमारा वोटर आईडी है, जिससे हम वोट डालने के लिए हम पता चलता है ना कि हम वोट डाल सकते हैं, हमारा आईडी बन चुका है वोट डालने वाला। फिर आता है आधार कार्ड। अब ये आधार कार्ड तो सभी ने देखा होगा,
पासबुक। नेक्स्ट कौन सी है, रेड कलर का दिख रहा है आपको, वो है पासबुक। फिर आता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड तो बच्चों का तो बनता नहीं है, बड़ों का बनता है, जैसे पापा हैं, दादाजी हैं, अंकल हैं, मम्मी हैं, जो टैक्स पे करते हैं उनका पैन कार्ड बनता है। तो ये सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से फिल करनी है और मुझे होमवर्क भेजना है। और आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपका एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, अब हम कल मीन्स फ्राइडे को चैप्टर नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।